बिहार सरकार भले ही अपनी पीठ लाख थपथपा ले कि हमने विकास की दरिया बहा दी, सड़क बिजली और पानी की समस्या से बिहार को मुक्त कर दिया, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। बिहार के पंजारक प्रखंड के रैली पंचायत स्थित रैली गांव में नल जल योजना का काला सच सामने आ गया है। इस गांव में 16 लाख की लागत से जल मीनार बनाया गया, जो मात्र कुछ हफ्तों बाद ही बंद कर दिया गया। मीनार से गांव में पानी वितरण के लिए बिछाई गई पाइप भी ध्वस्त हो चुकी है, क्योंकि इसे जमीन में जहां 2 से 3 फीट तक अंदर डालने का प्रावधान है, वहां 2 से 3 इंच ही जमीन के अंदर डाला गया है। साथ ही पाइप बिछाने के क्रम में पूरी गली को तोड़ फोड़ कर नेस्तनाबूद कर दिया गया है। जमीन पर होने के कारण रख रखाव के अभाव में पूरा पाइप चूर चूर होकर कचरा बन चुका है। ऐसी स्थिति में किसी के घर में पानी जाने का सवाल ही नहीं उठता, जिसका रोना यहाँ की महिलाएं भी रो रही हैं, जिन्हें बाहर से पानी लाना पड़ रहा है। इसकी शिकायत यहाँ के लोग पंचायत से लेकर सारे आला अधिकारियों तक कर चुके हैं, लेकिन यहाँ की जनता की परेशानी और उनके शिकायत का स्थानीय प्रशासन द्वारा कोई हल नहीं निकाला जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि जिस सुविधा के लिए सरकार द्वारा 16 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं, उसका फायदा आम लोगों को नहीं मिल रहा, तो फिर इस तरह का विकास किस काम का है? 16 लाख रुपए सरकार का खर्च हुआ है, इसमें 16 दिन पानी जनता नहीं पिया। वजह नीतीश कुमार भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और क्या। नीतीश कुमार के डायरेक्ट पैसा जाता है, जितना सांसद ललन सिंह के, ललन सिंह के थ्रू जाता है नीतीश कुमार के। मतलब सरकार भ्रष्टाचार एकदम, नीतीश कुमार भ्रष्ट है। नोट निचला पदाधिकारी तो उसका बेचारा निचला पदाधिकारी, इसीलिए पानी नहीं चल रहा है, बस भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ चुका है। हाँ हाँ बिल्कुल। वार्ड नंबर 8 में कितना घर में अभी जल नल नहीं पहुँचा है? जल नल चल रहा है, कहाँ जो पहुँचेगा, जिस समय चल रहा था तो 50 घर में नहीं पहुँचा है। 50 घर में अभी